हेलो स्टूडेंट्स दिस इज सुरबित तिवारी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल मैग्नेट बीन वेल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन एनसीईआरटी एनसीआर सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के एग्जांपलर सॉल्यूशन की तो सबसे पहले तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और रीजन जानेंगे कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का यही ऑप्शन क्यों है चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से गिवन बिलो फ्रॉम फर्स्ट टू फोर फूड आइटम्स आपको कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं ऑफ विल गिव ब्लू ब्लैक कलर टेस्टेड विद आयोडीन आपको ये बताना है कि इन फूड आइटम्स में अगर आप आयोडीन डाल दें या आयोडीन के साथ आप इसको टेस्ट करते हैं तो इनमें से कौन सी चीजें हैं जो आपको ब्लू ब्लैक कलर देगी तो चलिए पहले तो हम यही बता देते हैं कि कौन सी चीजें देंगी और फिर जानेंगे इसका कारण कि ऐसा क्यों तो सबसे पहले तो बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो ग्लूकोज अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड मस्टर्ड ऑयल तो वह अगर इन सारे ऑप्शंस की बात किया जाए तो बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो जो होते हैं ठीक है उसमें अगर आप आयोडीन डालोगे तो ये आपको ब्लू ब्लैक कलर देगी साथ ही साथ ही सॉल्यूशन या स्लाइस ऑफ ब्रेड में से देखे तो स्लाइस ऑफ ब्रेड देगी बाकी ये सॉल्यूशन और ये जो ऑयल का सॉल्यूशन है ये कभी भी आयोडीन डालने से आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं देती है तो आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड दैट मीन ऑप्शन नंबर बी तो क्यों होता है ऐसा फूड कंटेनिंग स्टार्च तो भेल ये जो सारे फूड्स है इसमें स्टार्च होता है दैट मीन कार्बोहाइड्रेट तो जब जो कार्बोहाइड्रेट है आप उसे आयोडीन के साथ मिलाते हो तो क्या होता है, उसी के कारण आपको ये आ जाता है. तो द फूड कंटेनिंग स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ऑन रिएक्शन विद द आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर एग्जाम्पल बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो एंड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड ठीक है तो इन दोनों में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट था स्टार्च था जिसके वजह से जब आयोडीन ने इसके साथ रिएक्ट किया तो इसने आपको ब्लू ब्लैक कलर दिया अब दूसरे ऑप्शंस थे आपके ग्लूकोज और मस्टर्ड ऑयल तो ये क्यों नहीं देंगे ब्लू ब्लैक कलर क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं होता बिकॉज दे आर नॉट स्टार्च मस्टर्ड ऑयल इज फैट एंड ग्लूकोज इज सिंपल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक है क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो है वो एक तरीके का फैट है ठीक है आपको बोला जाता है ना कि अगर आप ऑयली चीज खाओगे तो फैट बढ़ जाएगा तो इसी से याद रखिएगा कि जो मस्टर्ड ऑयल था वो फैट है और जो ग्लूकोज है वो एक सिंपल यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की आसानी से अंदर पास होने वाली स्टार्च नहीं है उसमें इसी कारण से क्या होता है ये आयोडीन के साथ ब्लैक ब्लू नहीं होगा बल्कि जैसे आपका ब्रेड है या मैश पोटैटो है ये ब्लैक कलर या ब्राउन कलर का हो जाएगा क्लियर तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व आगे चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो मैं इसे कर रही हूं क्लियर और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ

कैनाइन एंड इंसीसर तो भाई कैनाइन तो थोड़े से आपके नुकीले होते हैं इंसीसर सामने से फ्लैट होते हैं तो ये दोनों तो बिल्कुल भी एक जैसा काम नहीं करते क्योंकि कैनाइन की मदद से आप किसी भी चीज को टीयर करते हो और इंसीसर की मदद से कट करते हो ठीक है तो मोलर मोलर एंड तो और जो प्रीमोलर है इन दोनों का काम जो है वो क्या है किसी भी चीज को च्यू करना चबाने के काम आते हैं लेकिन मोलर और प्रीमोलर दोनों थोड़े अलग दिखते हैं मोलर थोड़े से राउंड शेप के होंगे लेकिन जो मोलर प्री मोलर्स थोड़े राउंड शेप के होते हैं लेकिन मोलर्स फ्लैट होते हैं जिसके कारण इनका फंक्शन तो एक है लेकिन ये दोनों दिखते अलग-अलग हैं तो हमारे को यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टी डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है फिर है इनसीसर एंड मोलर्स तो भेल इनसीसर और मोलर्स तो बिल्कुल अलग है ये बिल्कुल भी हम इसकी मदद से च्यू नहीं कर सकते लेकिन मोलर्स से च्यू करेंगे प्री मोलर्स एंड कैनाइन की बात की जाए तो अगेन केनाइन की मदद से हम च्यू नहीं करते और प्री मोलर्स की मदद से आप किसी भी चीज को टीयर नहीं कर सकते हो तो इसलिए यह भी गलत ऑप्शन है सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी तो क्यों था तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी देख लेते हैं लिखने के लिए या याद रखने के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं मोलर्स अदर टाइप ऑफ टीथर शेप्ड फॉर बिटिंग एंड कटिंग द फूड एंड कैनाइंस लार्ज एंड पॉइंटेड फॉर पियर्सिंग एंड टियरिंग द फूड राइट चलिए तो यहां पे क्वेश्चन नंबर टू के बाद आ गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गन डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन वेल आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं करता या डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रिएट नहीं करता तो अगर हम देखें तो ऑप्शन पे देखते हैं पहला ऑप्शन है फूड पाइप so से क्या कोई डाइजेस्ट होता है जी नहीं सिर्फ ये क्या करेगा आपके माउथ से बकल कैविटी से क्या करेगा खाने को कहां तक पहुंचाने का काम करेगा ये पहुंचाने का काम करता है आपके स्टमक तक लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड रहता है ठीक है और उसके बाद रेक्टम में वो स्टोर हो जाएगा ठीक है तो भाई यहाँ पे कोई भी जूसेस जो है वो सिक्रेट नहीं होते फूड का डाइजेशन नहीं होता फिर है आपका बकल कैविटी एंड डैक्टम तो बकल कैविटी जो है उसमें होता है सलाइवा जो कि आपके आ, शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है तो मतलब यहाँ डाइजेशन हो रहा है अगेन यहाँ पर बकल कैविटी दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर भी डाइजेशन हो रहा है यहाँ पर तो स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम दे दिया गया है और आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं म्यूकस होता है ठीक है और भी सारे जूसेस होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो वे इन सभी में बकल कैविटी था इन दोनों में दैट मीन्स कि ये डाइजेस्ट करेंगे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन था तो ये भी डायजेस्ट करेगी लेकिन यहाँ पर ये यह जो तीनों नाम दिए गए हैं इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे फूड का डाइजेशन हो ठीक है ये सिर्फ फूड को यहां से वहां करने का काम करेंगे इसलिए क्या होगा इसलिए आपका सही ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर ए ओके सो इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट सच एस ईसोफोग लार्ज इंडस्टाइन एंड रैक्टम डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन ईसोफेगस कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर अब आप सोचेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पानी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब तो करती है तो सिर्फ एब्जॉर्ब करती है उस फूड को वैसे ही रहने देती है डायजस्ट नहीं करेगी ओके सो लार्ज इंटेस्टाइन एबजॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रैक्टिव इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वेर द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर टिल इट इज इडजस्टेड आउट मतलब जब तक उसका इजेक्शन ना हो जाए तब तक वो वहां पर सिर्फ स्टोर रहता है क्लियर तो so, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर आपसे क्या पूछा है द सॉलोड फूड मतलब जो फूड आप निगलते हो मूव डाउनवर्ड्स इन द एलिमेंट्री कैनल बिकॉज ऑफ ये जो फूड है जो आप गील जाते हो सॉलो करते हो ये आपकी एलिमेंट्री कैनल से होता हुआ नीचे कैसे पहुंच जाता है तो बताइए कैसे पहुंच जाता है जरा सोच के रखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग हमारी जो टंग है वो एक फोर्स देती है अंदर की तरफ या फिर द फ्लो ऑफ वाटर टेकन विद द फूड या फिर फूड के साथ आप पानी पियोगे और वो जाएगा ग्रेविटेशनल पुल क्या कोई ग्रेविटेशनल पुल है हमारी बॉडी के अंदर या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप तो वह हमारी जो मस्कुलर टंग है ना वो ऐसा कोई फोर्स नहीं लगाती कि जिसकी वजह से फूड जो है वो तुरंत अंदर जाए ठीक है ना ही हम हर बार खाना खाने के साथ पानी पीते हैं बल्कि खाना खाते खाते पानी नहीं पीना चाहिए थोड़ी देर बाद पानी पीना चाहिए तो वे पानी भी आपके फूड को अंदर नहीं ले जाता देन ग्रेविटेशनल पुल तो नहीं है तो भाई क्या है सही ऑप्शन तो सही ऑप्शन है कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप आपकी जो फूड पाइप है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से एक मूवमेंट होता है जिससे आपका जो फूड है वो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक पहुंच जाता है तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी सो एज सून एज द फूड एंटर्स द फूड पाइप द मसल्स इन इट्स वॉल स्टार्ट अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्शन की वजह से जो फूड है उसमें एक मूवमेंट होता है मतलब पाइप मूवमेंट होता है और फूड नीचे की तरफ आ जाता है प्रोड्यूसिंग अ वेव लाइक मूवमेंट कॉल्ड दीज मूवमेंट्स आर एजेंशियल फॉर पुशिंग द फूड डाउन वर्ड इन द एलिमेंट्री कैनल एलिमेंट्री कैनल के थ्रू ये जो फूड है वो तभी नीचे की तरफ जा पाता है

तो वेल ये जो फूड है हमारे डायरेक्ट फूड पाइप से होता है पहुंचता है स्टमक में बैक्टीरिया को किल करने का काम यही एसिड्स करते हैं ठीक है दैट मीन हार्मफुल बैक्टीरिया दैट पे एंटर अलोंग फूड फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया आ जाएगा उसको किल करने का काम यही एसिड्स करते हैं प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द हार्मुल सबस्टेंस नो डायजेस्टार्च इन टू द सिंपलर शुगर तो ये जो है ये इसका छोटा सा काम तो बकल कैविटी ही कर देती है ठीक है एंड मेक द मीडियम अल्कलाइन टू बिल्कुल भी नहीं तो सही ऑप्शन है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक ट द म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव ज्यूसेस आउट ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया दैट में एंटर द स्टमक विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम एसिडिक और इस तरह से मीडियम को एसेडिक बना देते हैं म्यूकस जो है वो आपकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है यहां पर लिखा हुआ ना प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द हार्मुल सबस्टेंस तो जी हाँ होता है स्टमक में ऐसा लेकिन एसिड नहीं वो काम म्यूकस करता है तो म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एचसीड डाइजेस्टिव ज्यूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इंटू फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंस ठीक है प्रोटीन इन फूड इंटू सिंपलर जो आपका बाकी दोनों के काम है, उनका काम है, है उनका एक तो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना और दूसरा जो आपका डाइजेस्टिव जूसेज है वो क्या काम करते हैं वो हैं प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम तो चलिए ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर फाइव आगे बढ़ेंगे Help to ingest food. अब आपको अमीबा याद होगा इसका कुछ ऐसा ये जो finger -like outgrow होता है फूड को इनजस्ट करता है अंदर की तरफ लेता है हाउ एवर द फिंगर लाइट आउट ग्रोज ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन अब फिंगर लाइट आउट ग्रोजन इंटेस्टाइन में भी होती है जिसमें इस तरह से ब्लड वेसल्स होती है याद है आपको ठीक है जिसको अपन रिलीज कहते हैं तो आपसे वो पूछ रहे हैं ह्यूमंस में ये जो फिंगर लाइक आउट है ठीक है द फिंगर आउट ग्रोव ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प टू वो किस लिए हेल्प करती हैं डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंस क्या ये फैटी फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने का काम करती है मेक द फूड सॉल्यूबल क्या फूड को सॉल्यूबल बनाएंगी एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड या फिर एब्जॉर्ब द अनडाइजेस्टेड फूड तो डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंस तो ये सभी का काम जो है वो तो जूसेस सीक्रेट जो होते हैं हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में वो करेंगी तो ये तो हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम विली really कहते हैं तो ये विलीज जो है ये काम तो नहीं करती ठीक है मेक द फूड सॉल्यूबल तो ये भी अगेन आपका जो डाइजेशन है इंटेस्टाइन में वो दूसरे जूसेस की वजह से होता है वो उसे सॉल्यूबल बनाएगा एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड जी हाँ ये जो विलीज हैं ये क्या करती है इस फूड को डाइजेस्ट करती है उस फूड के उस फॉर्म को डाइजेस्ट करती हैं जिससे ये ब्लड वैसल से होते हुए हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में आए जिसको अपन एसिमुलेशन कहते हैं ठीक है एब्जॉर्ब द अनडाइजेस्टेड फूड तो जी नहीं अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड क्योंकि ये क्या करती हैं ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाती है वे आर द फिंगर लाइक ऑफ द इनर सर्फेस ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन देयर रोल इज टू द दर्फेस एरिया फॉर रैपिड रेपिड ऑफ़ डाइजेस्टेड फूड ये सर्फेस एरिया को बढ़ा देती है ताकि इंटेस्टाइन के अंदर जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए हाउ एवर इन अमीवा द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल दूड दैट हेल्प इट टू कैच द फूड पार्टिकल्स एंड टू मूव जो इसका सीडोपोडिया होता है मतलब जो फॉल्स फीड जिसको सीडोपोडिया कहते हैं ये जो आपको मैंने डायग्राम अभी बनाया था ये कहलाता है उसका सीडोपोडिया जिसको फॉल्स फीड कहते हैं जिसकी मदद से ये उस फूड पार्टिकल तक जाता है और उसे कैच कर लेता है ठीक है तो चलिए ये तो हमें सॉल्यूशन मिल गया और ऑप्शन भी मिल गया आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या पूछा गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फिल आपको विली के को ध्यान में रखते हुए विलीज़ को ध्यान में रखते हुए विलस जिस कह सकते हैं हम उसे ध्यान में रखते हुए सारी ऑप्शंस पढ़ना है और आपको बताना है कि क्या सही है ठीक है ये food को digest कर लेती है दे हैव वेरी इनके जो वॉल्स होती है वो काफी thin होती है. मतलब ये जो वॉल है ये थिन होती है ठीक है दूसरी चीज दे है स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट सर्फेस क्या इनमें ब्लड वेसल्स की एक नेटवर्क होता है ठीक है मैं नेटवर्क बना के बता देती हूँ आपको ठीक है नेक्स्ट दे हैव ए स्मॉल पोर्स थ्रू विच द फूड कैन इजिली पासिस क्या इसमें पोर्स होते हैं जी नहीं दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो जी हाँ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं मतलब फिंगर्स की तरह दिखते हैं तो इनमें थिन वॉल्स होती हैं ताकि क्या हो सके आसानी से फूड जो है इन ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाए दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस जी हाँ इनके सरफेस के पास ये आर्टरी और वेन तक जाने वाले ब्लड वेसल्स होते हैं और ये फिंगर की तरह दिखते हैं दैट मींस कि हमारा जो ऑप्शन था फर्स्ट सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है विली के फूड को एब्सॉर्बेशन को लेकर के ठीक है सो आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट विच अनेबल सो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ राइट ऑप्शन है ठीक है तो इसका जो राइट right ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है

सूडोपूडिया होता है भैया आपका अमीबा का जिसको ये जो फॉल्स फीट कहा जाता है तो इसका काम क्या है बेसिकली मूव मूव करके कहा जाएगा गार्डन में घूमने तो जाएगा नहीं तो बेसिकली ये जो है ये मूव करके कैप्चर करता है फूड को कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट क्लियर तो देखते हैं द फॉल्स फीड और सुडोपूडिया ऑफ अमीवा आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट अलाउ द मूवमेंट मतलब मूवमेंट करते हैं एंड कीपिंग ऑन अपेयरिंग एंड डिसअपियरिंग एट

तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट खत्म करने के बाद हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पर जो कि अगेन एमसीक्यू ही है द द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा सलाइवा हमारे कहाँ होता है हमारे माउथ के अंदर तो सलाइवा बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या कन्वर्ट करते हैं फैट्स इंटू फैटी एसिड एंड ग्लाइक्रोल क्या वो फैट fat को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देंगे जी नहीं फैट्स का जो सोल्यूशन है वो तो हमें हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के मिलेगा स्टार्च इंटू सिंपलर सुगर शुगर क्या स्टार्च को सिंपलर शुगर uh, में कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड्स क्या प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदल देगा या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तो बेसिकली ये क्या करता है ये स्टार्च को कर देगा सिंपलर शुगर में शुगर में कंप्लीट बाकी जो सारी चीजें हैं वो हमारे सलाइवा से नहीं हो पाती हैं ओके तो द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ सिक्रेट सलाइवा हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसमें सलाइवा प्रेजेंट होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसे कहते हैं एमएलएस ठीक है दैट ब्रेक्स डाउन इट्स इन द सिंपलर शुगर जो कि क्या होते हैं जिसे अपन पिटालीन भी कहते हैं ये क्या करते हैं शुगर को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करने का काम करेंगे ओनली अबाउट थर्टी परसेंट स्टार्च डाइजेशन टेक प्लेस इन द माउथ सिर्फ थर्टी परसेंट जो स्टार्च है वो आपके माउथ में डाइजेस्ट होता है बाकी अंदर जाके डाइजेस्ट होगा ठीक है तो जो समझ में आया आपको तो ये क्या करेगा सिर्फ सिंपल शुगर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा सलाइवा की मदद से अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर टेन पर जो कि आ गया है आपके रूमिनेंट्स के बारे में रूमिनेट्स मतलब ग्रास एनिमल्स के बारे में तो कड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ इज तो का क्या कर मतलब होता है कड कब आता है आपके रूमिनेट्स के मुंह में आप देखते हो कि वो कंटिन्यूसली च्यू करती रहती है बैठे बैठे तो वो कड को ही च्यू करती है तो कड एक्चुअल में क्या है सॉलोड एंड अनडाइजेस्टेड ऐसी चीज जो कि सोलो कर ली गई है और अनडाइजेस्टेड है swallowed and partially digested properly chewed and partially digested yafet properly chewed and completely digested तो जो कड होता है वो क्या होता है सॉलिड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड ठीक है सोलो कर लेते हैं और जो पार्शियली डाइजेस्ट होके बाकी के उनके मुंह में आता है ताकि वो उसको और च्यू करे और डाइजेस्ट करे और वो वापस फिर स्टमक में जाए द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द र्यूमन पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ र्यूम एग्जाम्पल कॉल्ड गट इट इज ब्रॉकड बैक टू द माउथ इन स्मॉल अमाउंट्स टू बी टू बी च्यू थ्रू आउटली जाता है ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से च्यू कर पाए ठीक है तो यहाँ पर खत्म हो गया है क्वेश्चन नंबर टेन हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ अब 11 क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या बोला गया है एक आपको फ्लो दिख रहा है ठीक है तो देखते हैं क्या पूछा है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म्स दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन र्यूमेंट अब आपको बताना है कि जो न्यूट्रिशन न्यूमिनेंट्स लेते हैं उसका करेक्ट प्रोसेस क्या है सोलो पार्शियल डाइजेशन चूइंग ऑफ कड एंड कंप्लीट डाइजेशन मतलब पहले सोलो किया वो पार्शल जो भी चीज़ सॉलो करी वो पार्शियली डाइजेस्ट हुई फिर उसको वापस कट के फॉर्म तो में उनके माउथ में आई जिसको उन्होंने च्यू किया और फिर वो कंप्लीट डाइजेशन हुआ या फिर सबसे पहले वो च्यू करते हैं कट को फिर सोलो करते हैं ठीक है फिर पार्शियल डाइजेशन होता है फिर कंप्लीट डाइजेशन होता है तो जी नहीं पहले कट कहाँ से मिल जाएगा तो चुईंग चुइंग ऑफ कट अगर पहले दिया हुआ है तो वो गलत है फिर क्या है सोलोइंग चुइंग एंड मिक्सिंग पार्शली डाइजेशन एंड कंप्लीट डाइजेशन तो मैं सही ऑर्डर ये है सबसे पहले वो फूड कोर्ट सोलो करते हैं वो पार्शली डाइजेस्ट होकर के कट के फॉर्म में आता है फिर वो कंप्लीट डाइजेशन के लिए जाता है तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर एट राइट सो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिमिनेसोइंगलीउटर कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक स्मॉल इंटरटाइन एंड कम्प्लीट डाइजेशन ठीक है इसको हमने और ज्यादा कंप्लीट वे में बता दिया है क्लियर तो चलिए यहाँ पर ये यह क्वेश्चन खत्म करेंगे पहुंचेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 12 सेल्युलर्स रिच फूड ठीक है अब सेल्यूलस रिच फूड की बात की जा रही है Cellulose rich food substance are good source of roughage in human beings because ह्यूमन बींग डस डाइजेस्टिव एंडुलस गेट एब्जॉर्ब इन द ह्यूमन ब्लड एंड कन्वर्ट इंटू द फाइवर द सेलुलस डाइजेस्टिव बैक्टीरिया कन्वर्ट सेलुलस इंटू फाइबर द सेलुलसन कंपोनेट्सटेड एज द रफेज तो वो ये जो सेलुलर्स है वो सर्फेज का, का काम करता है ह्यूमन बॉडी में तो क्यों क्योंकि सेलुलर्स जो है उसको बचाने के लिए एक तरीके का बैक्टीरिया होना जरूरी है जो कि ह्यूमन बॉडी में नहीं होता तो ह्यूमन बींग्स ड नॉट है बट okay? so, cellulose, cellulose, okay? still a very important part of human diet. It forms a major part of the roughage that is essential for the proper digestion. ठीक है चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो ki क्या है जो है very short answer type question. नेम द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल वेयर अब आपको एक कैनल्स के नाम बताना है जहां पर यह सारी चीजें होते हैं वॉटर गैट एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड अब कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जाता है जहां से उसमें से सारा सॉल्ट और वॉटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो यहां पर क्या आएगा यहां आएगा लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है आगे डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब अब कहाँ पे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है तो जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है विली की मदद से तो यहाँ पर आप लिख दीजिए विलीज ठीक है टेस्ट ऑफ द फूड इज परसी कहाँ से आपको टेस्ट पता चलता है तो आपकी जो मस्क्युलर टंग होती है वो आपको टेस्ट बताती है ठीक है नेक्स्ट है बाइल जूस इज प्रोड्यूस तो भाई बाइल जूस कहां पर होता है तो जो आपका लीवर होता है ना उसमें होता है गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है उसमें होता है बाइल जूस यही बाइल जूस हमें मदद करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में तो देख लीजिए सबसे पहला है आपका लार्ज इंटेस्टाइन नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी टेक प्लेस फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन आप इसमें विली भी लिख सकते हैं क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है तो स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द न्यूमरस विलीज इनक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्बन फिर होता है टंग कंटेन द टेस्ट बर्ड्स बर्ड प्रोड्यूस द दा बाइल दैट इज स्टोर इन द गोल्ड ब्लडर एंड हेल्प इन द फैट डाइजेशन ठीक है तो ये हो गया हमारा आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन यहाँ पर कंप्लीट फोर्टीन की तरफ अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज ट्रू है कौन सी चीज फॉल्स है टंग इज अटैच टू द रूफ ऑफ द माउथ कैविटी एट द बैक क्या हमारे माउथ कैविटी के रूप से कनेक्टेड होती है नहीं फॉल्स द लार्ज इंटेस्टाइन इज लॉन्गर एंड वाइडर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल वेल जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका नाम भले ही क्या है भले ही उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है तो ये ऑप्शन भी फॉल्स है म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग लाइनिंग फ्रॉम डैमेज तो जी हां स्टमक के अंदर म्यूकस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं तो म्यूकस जिसमें से आपके स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ऑल हैथ्रोथ्रोप्स हैव सिमिलर बेसिक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जितने भी हाइड्रोट्रोब्स होते हैं उन उनके सभी की न्यूट्रिशन की प्रोसेस लगभग बराबर होती है तो जी हाँ बिल्कुल बराबर ही होती है सेम होती है तो पहला हमारा जो टंग है वो आपके फ्लोर से कनेक्टेड होती है ना कि रूप से तो टंग अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ केविटी एट द बैक आप देख सकते हो टंग को फील कर सकते हो नीचे से जुड़ी हुई है ऊपर से नहीं The large intestine is shorter and wider than the small intestine of the human alimentary canal. ठीक है तो जो intestine है वो short होती है और wide होती है चौड़ी होती है लेकिन short होती है length कम होती है 1.5 होती है इसकी और इसकी होती है 7.5, पॉइंट राइट तो इसलिए ये फॉल्स था तो हमारे को ये ऑप्शन मिल चुके हैं आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन Choose the odd one out from the each group and give reasons. अब आपको इसमें से odd one out निकालना है और बताना है कि इसमें कौन इन सबको मैच नहीं कर रहा है ठीक है चलिए तो लीवर सलाइवरी ग्लैंड स्टार्च एंड गोल ब्लेडर ठीक है अब इसमें आपको बताना है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन है भाई गोल ब्लेडर जो है वो भी जूसेस सिक्रिएट करेगा लीवर आ, के थ्रू सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा को करेंगी लेकिन स्टार्च इस इसमें आउट वन आउट है तो यहाँ पर हो जाएगा ये स्टार्च ठीक है देख लेते हैं हम सही है या नहीं तो जी हां स्टार्च हमारा ऑड वन आउट है ठीक है नेक्स्ट है स्टमक लीवर पैनक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड तो वेल यहां पर लीवर पैनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड है इसमें से जो स्टमक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो यहां पर अपन लिख देते हैं स्टमक ओके फिर आता है टंग एब्जॉर्बन टेस्ट एंड सोलो ठीक है तो वेल आ, टंग की मदद से फिर टेस्ट करना सॉलो करना लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है यहां पर डिफरेंट लग रहा है तो हम यहां पर लिख देंगे ठीक है है नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम अब बाकी के सारी चीजों में डाइजेशन नहीं होता सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो यहां पर यह जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हो जाएगा ऑड वन आउट ठीक है देख लेते हैं सो so, पहला है स्टार्च इट स्टार्च इज द ऑट वन आउट इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल अदर आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ह्यूमन सिस्टम ठीक है स्टार्च के अलावा सारे थे स्टमक इज ऑट वन आउट इट इज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑल आर द ग्लैंड ठीक है यहां पर देखिए ये ऑर्गन है बाकी सारी ग्लैंड हैं लीवर पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड थर्ड इज एब्सॉर्बन इज ऑट वन आउट इट इज अ डाइजेस्टिव प्रोसेस दैट ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल आर रिलेटेड टू माउथ और बाकी चीजें आपकी सारी माउथ से रिलेटेड थी ठीक है लास्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑट वन आउट इट रिलीजेज द इंटेस्टेनियल जूस एंड इट इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑल अदर पार्ट डू नॉट टेक पार्ट इन द डाइजेशन प्रोसेस ठीक है तो ये था आपका ऑर्ड वन आउट और ये रहा इसका सॉल्यूशन की वाई सो ओके चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो क्वेश्चन नंबर 16 है यू वर ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्ट टू आइडेंटिफाई द ड्रिंक्स प्रोवाइडेड इनटू द टू डिफरेंट ग्लासेस आपको दो डिफरेंट ग्लासेस में ड्रिंक्स दी हुई है यू कुड आइडेंटिफाई ड्रिंक ए एज अ लाइम जूस एंड बी एज अ बिटर गार्ड जूस हाउ कुड यू डू इट इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल बिना देखे कैसे पहचान लिया तो वेल well, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं हमारी टंग टंग में अलग अलग जगह इतनी सारी चीजें होती है इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है टंग जो कि पता लगा लेती है कि कोई भी चीज खट्टी है मीठी है या फिर कड़वी है ठीक है सो इन स्पाइट ऑफ बाइंग बींग ब्लाइंड टेस्ट ऑफ द डिफरेंट रिंग विदेप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड तो हमारे टंग में क्या होती है डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड होती है ओके द टेस्ट बर्ड आर सेंसरी दी टेस्ट रेस्पिटर्स दैट हेल्प टू दर्सिपेटेशन ऑफ द टेस्ट देर आर फोर काइंड ऑफ द टेस्ट बर्ड विच डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी सॉर एंड बिटर टेस्ट दीज आर लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंगे हमारे डिफरेंट पार्ट में होती है किस तरह से कुछ इस तरह से जैसे आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको फील होगा थोड़ा सा बिटर टेस्ट यहाँ पर आपको होगा सौर यहाँ पर होगा स्वीट एंड यहाँ पर सॉल्टी ठीक है तो इस क्योंकि हमारे टंग में डिफरेंट टाइप ऑफ़ टेस्ट बर्ड्स हैं, जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर चीज का टेस्ट क्या है क्या वो बिटर है सॉर है स्वीट है या फिर सॉल्टी है तो ये तो बहुत शॉर्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर का अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स तो एलिमेंट्री कैनल स्ट्रेचेस फ्रॉम डैश टू डैश एलिमेंट्री कैनल कहां से कहाँ शुरू होती है तो वेल जो एलिमेंट्री कैनल है वो आपके माउथ से या आप कह सकते हो आपके टंग से शुरू होते हुए कहां तक जाती है वो जाती है एनस तक ओके या फिर आप लिख सकते हो यहां पर माउथ ओके सो हो जाएगा माउथ टू एनस ठीक है चलिए टीथ आर रूटेड इन सेपरेट डैश इन बिटवीन द डैश फिल हमारे जो टीथ है वो किसमें होते हैं सॉकेट्स में होते हैं ओके है. okay? तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे सॉकेट्स इन द बिटवीन द गम्स ओके okay, नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन डैश एंड गेट्स कंप्लीटेड इन डैश अब डाइजेशन कहाँ से शुरुआत होता है भाई माउथ से हम खाते हैं ठीक है थीके? उसके बाद ये इस से होता 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 है स्टमक में जाता है स्टमक में होता है डाइजेशन स्टार्ट ठीक है तो आपका स्टमक एंड गेट्स कंप्लीटेड इन कहा कंप्लीट होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है तो ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के खत्म डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी तो हमारी जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है वो है लीवर राइट तो चलिए इसके सही सही ऑप्शंस हम आपको दिखा देते हैं कि क्या सही ऑप्शंस हैं तो जी हाँ यही सही ऑप्शंस हैं माउथ एंड एनस नेक्स्ट है सॉकेट एंड गम्स देन है बकल कैविटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लीवर पहले आपका ये जो स्टार्टिंग है वो आपका बकल कैविटी से है तो हम यहाँ पर इसको बकल कैविटी भी लिख सकते हैं ठीक है ठीके? हो तो जाएगा बकल कैविटी एंड गेट्स कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है चलिए तो इसके बाद चलेंगे हम हाँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ने की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर एटीन फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फाइव स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन ट्वेल्थ well, जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है कि भाई वकल कैविटी में हमारे सलाइवा होता है राइट right? तो सलाइवा क्या करता है आपके जो स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में कंप्लीट करेगा और देन उसके बाद आप जब उसे ईसोफिगस से होता हुआ स्मॉल स्टमक और स्मॉल इंस्टस्टाइन तक पहुँचेगा और बाकी का डाइजेशन शुरू होगा लेकिन अगर हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको उस किन न्यूट्रिशन को बताना है और उसको एक सही सही

ओके okay. नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अनडेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब सॉलिड रेसिड्यूज ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी तो हमारी बॉडी से रिमूव होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इजेशन क्या बोलते हैं इजेशन मतलब इजेक्ट होना इजेक्ट होना बाहर की तरफ जाना ठीक है टेकिंग फूड इन टू द बॉडी मतलब इन करना बॉडी को तो याद रखिएगा इनजेशन कौन सी प्रोसेस होती है वो इंजेशन इंजेशन ठीक है नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड एंड सॉल्युबल फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू ब्लड वेसल्स तो वेल जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स में किस तरह से पहुंचता है एबजॉर्ब होकर के तो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी एब्जॉर्ब ठीक है तो ये सारे आपके राइट right ऑप्शंस थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर यूटिलाइजेशन इज एसिमिलेशन ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इज डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ अनडेस्टेड फूड इज इजेशन एंड टेकिंग फूड इज इंजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेशन फूड टू द ब्लड वेसल्स इज एब्जॉर्प्शन ओके तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे सारे ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है एसिमिलेशन डाइजेशन इजेशन इंजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तो यहां पे खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 18 हम सीधे पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है मैच द एनिमल्स इन कॉलम वन विद देयर मोड ऑफ फीडिंग ये फीडिंग फीडिंग है ओके लिस्टेड इन द कॉलम फीलिंग नहीं फीडिंग तो फीडिंग क्या है भाई हाउस फ्लाई किस तरह से फीड करती है अपने आप को न्यूट्रिशन कैसे देती है तो वेल ये करती है स्पॉन्जिंग स्पॉन्ज करती है क्योंकि इनका जो माउथ होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो स्पॉन्ज करके ही अपने फूड को ले पाए कॉकरोच तो कॉकरोच जो है भाई आपके वो क्या करेंगे तो कॉकरोच जो है वो करता है बीटिंग एंड चूइंग कॉकरोच चू कर सकता है तो ये हो जाएगा बाइटिंग एंड चोइंग ओके okay? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसके लिए कहलाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन मॉस्किटो भाई मॉस्किटो क्या करते हैं भाई आपकी बॉडी से ब्लड को सक करने का काम करते हैं ठीक है तो आप इसकी जगह सेकेंड या थर्ड कुछ भी लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पे सेकेंड लिख दिया क्योंकि दोनों ही जगह सकिंग लिखा हुआ है ठीक है इन्फेंट क्या करते हैं तो भाई इन्फेंट भी जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो सिर्फ सक कर सकते हैं इसलिए इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है ये राइट राइट ऑप्शन थे वेल well, ए का ऑप्शन है आपका थर्ड फिर है फर्स्ट फिर है सेकेंड या थर्ड कुछ भी लिख सकते हो इसको क्योंकि दोनों का ही मतलब सेकेंड था तो हाउस फ्लाई इज अ स्पॉन्जिंग इन्सेक्ट विद अ स्पन्ज लाइक माउथ पार्ट्स दैट अलाउ द टू ईट ओनली लिक्विड फूड्स तो वो जो इस हाउस फ्लाई है वो बेचारी सिर्फ लिक्विड फूड्स को ही ले सकती है क्योंकि उनका जो माउथ होता है वो स्पॉन्ज के समान होता है ताकि वो उसकी उसकी मदद से क्या कर सके उसको लिक्विड को अंदर ले सके कॉकरोच हैज प्रिमेटिव अरेंजमेंट ऑफ माउथ पार्ट्स फॉर बिटिंग एंड तो वो बिट बाइटिंग बाइटिंग एंड चूइंग मतलब काट करके चूह कर सकते हैं मॉस्किटो हैज अ पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स पियर्स एकदम पियर्सिंग माउथ होता है एकदम नुकीला सा उसका सामने का पोर्शन होता है तो मॉस्किटो हैज पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स दैट पियर्स फूड आइटम्स टू अनेबल सकिंग ऑफ इंटरनल फ्लूड्स

अब आपने क्या किया स्टार्च के साथ सलाइवा को ऐड कर दिया जब आपने उसको च्यू किया ठीक है तो वहां से जो स्टार्च है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया सिंपल शुगर सब्सटेंस में तो जब आप आयोडीन को डायरेक्ट स्टार्च में डालते हो लाइक बॉयल राइस में डालते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब स्टार्च में आयोडीन डालोगे तो वो ब्लैक ब्लू कलर देगा लेकिन जब आपने सलाइवा में इसको मिक्स कर दिया तो वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो अब आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और आपको वैसे का वैसा ही कलर दिखेगा सो आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स अ ब्लैक ब्लू कलर ऑन रिएक्टिंग विद स्टार्च

A got her gallbladder removed surgically as she was diagnosed with the stones in her gallbladder. Gallbladder क्या होता है आपके लीवर का वो पार्ट जिसमें जिसकी मदद से बाइल जूस बनता है जो कि फैट पर काम करता है ठीक है अब किसी व्यक्ति को जब स्टोन्स हो जाते हैं तो गॉल ब्लेडर को रिमूव करना पड़ जाता है तो वहीं से गॉल ब्लेडर हट गया अब जब गॉल ब्लेडर हट गया तो उसको क्या कहा गया आफ्टर द सर्जरी शी फेज प्रॉब्लम्स इन डाइजेशन ऑफ सर्टन फूड आइटम्स वेन कंज्यूमड इन बल्क जब वो बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड को खाती है

बाइल जूस बट जब गोलब्लेडर ही हट गया तो बाइल जूस का का प्रोडक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से फैट ही कोई चीज़ कोई खाएगा तो उसके उसके कारण उसको कई तरीके की तकलीफ हो सकती है तो किसी का अगर गोलब्लेटर रिमूव हुआ है और अगर वो ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाए तो उसको आगे पेट दर्द की समस्या हो सकती है कई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि बाइल जूस का कंटेंट नहीं रहेगा सो आफ्टर द सर्जिकल रिमूवर ऑफ गॉलब्लेडर A would face the problem in digestion of fatty substances when consumed in bulk. This is because the bile juice is stored in the gall bladder helps in the digestion of fats. Removal of gall bladder thus leads to difficulty in digestion of fatty substances. क्योंकि fatty substances को वो नहीं digest कर पाएगी. इसी तरीके से अगर वो कुछ ऐसी चीज खाती है, oil वाली चीजें खाती है, या जिसमें बहुत ज़्यादा oil content हो, है ना? ऐसी कोई चीजें खाएगी तो उसकी वजह से उसको कई problem हो सकती हैं. ओके okay, चलिए तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पर पहुंचेंगे फर्स्ट तो तो के ऑर्गन देखना है और आपको बताना है कि उसके ऑर्गन में एक्चुअल में होता क्या है तो रेक्टम क्या करता है भाई तो रेक्टम का काम होगा फीसिस को स्टोर करना तो यहां पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ठीक है देन है गॉल ब्लेडर तो गॉल ब्लेडर के बारे में जस्ट अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा ये क्या करता है बाइल जूसेस को करेगा तो so, यहाँ पर हो जाएगा आपका बाइल जूस ठीक है एंड ये होगा आपका गॉल ब्लेडर स्टमक तो इस स्टमक में क्या होता है बेसिकली म्यूकस विली टेस्ट टेस्ट बर्ड्स तो वेल ये जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक में होता है तो so, यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और इसके लिए हम लिख देंगे सी ठीक है टंग टंग का में क्या होते हैं टेस्ट बर्ड होती है जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि कोई चीज बिटर है सौर है स्वीट है ठीक है इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा डी नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है विलीज जो कि क्या करती है जो कि आपके खाने में एब्जॉर्बशन का, का काम करती है डाइजेस्टिड फूड को एब्जॉर्ब करेगी एसिमिलेशन भी इसी के थ्रू होता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है तो ये हो गया हमारा मैच द कॉलम कंप्लीटेड आप देख सकते हो ये बिल्कुल सही है फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट एंड थर्ड

तो आप देखते हो कि जल्दी, जल्दी 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 वो सारा खाना क्या करते हैं गिलते जाते हैं सॉलो करते जाते हैं अब ये जो अनडाइ जो जो ये जो च्यूड या पार्शली च्यूड जो खाना होता है वो कहा जाता है इनके र्यूमन के अंदर जो कि स्टमक का एक पार्ट है इस र्यूम में जाकर के ये जो भी सॉलोड फूड होता है वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है पार्शली डाइजेस्ट होगा और क्योंकि इसमें एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि सेलुलस पर काम करेगा और वो पार्शली डाइजेस्ट होके बन जाता है कड ये कट जाता है वापस से इनके माउथ में जिसको फिर वो प्रॉपरली च्यू करेगी प्रॉपरली च्यूड होने के बाद ये फिर सीधे जाएगा स्टमक में जहां पर इसका डाइजेशन और अच्छा होगा एब्जॉर्बशन होगा एसिमुलेशन होगा एंड देन एजेशन होगा ठीक है सो so, सच र्यूमिन Cows and buffaloes swallow their food hurriedly and store it in a part of the stomach called the rumen. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in the humans. This cellulose.

थ्रू आउट लीट कड इगेन वो वापस से सोलो होता है अगेन टू अदर कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक एंड दे स्मॉल एंटेस्टाइन फॉर द कंप्लीट डायजेशन एंड एब्जॉर्बन ये वापस से अंदर लेंगे उसका डाइजेशन होगा और एब्जॉर्बन होगा ठीक है तो यह होता है रिमिनेट्स का काम कि किस तरह से उनमें डाइजेशन की पूरी प्रोसेस होती है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे क्या है वो बूझो एंड पहेली वर ईटिंग देयर फूड हरिडली सो दैट दे कुड गो आउट एंड प्ले ड्यूरिंग द जब आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हो तो एक ऑर्गन होता है एक वॉल्व होता है वो खुला हुआ रह जाता है, जिसको कहते है, तो जिसकी वजह से क्या होता है अचानक से हमारे उसमें हवा भर जाती है एपिग्लॉटिक में और हम फिर कफिंग करना शुरू कर जाते हैं क्योंकि वो बाहर निकलता है उसमें खाना फंस जाता है तो समटाइम्स वेन बी ईट हरिडली और टॉक और लाफ वाइल ईटिंग या जब आप खाते टाइम बहुत तेजी से बोल रहे हो या क्या कर रहे हो हंस रहे हो तो क्या होता है कि आपको कभी कभी ठसका लग जाता है आप कफिंग करने लग जाते हो तो द फ्लैप लाइक वॉल्व कॉल्ड द इपिग्लॉटिक विच क्लोजेज द पासेज ऑफ विंड पाइप रिमेन ओपन जो कि हमारे विंड पाइप को क्लोज करती है वो खुला हुआ रह जाता है क्योंकि आप उस बोल रहे होते हो या हंस रहे होते हो तो वो ओपन रह जाता है ठीक है देअर फोर द फूड में एंटर इन टू द विंड पाइप और उस विंड पाइप में जहां से हवा जानी चाहिए वहां पर फूड फंस जाता है एंड इट लीक्स टू द कफिंग एंड कफिंग

द डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कंपोनेंट्स इज कंप्लीटेड बाय वॉट अब किस तरीके के फूड आपके अम्म किस तरीके के जूसेस से जो डाइजेशन है फूड का वो कंप्लीट होता है तो ये होता है इंटेस्टेनियल ठीक है जूसेस की मदद से तो हम यहां लिख देते हैं इंटेस्टेनियल जूसेस ओके नेक्स्ट है द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डैश एंड डैश सम फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड अब जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है वहां से क्या एब्जॉर्ब होता है वहां से सिर्फ ये एब्जॉर्ब करते हैं सोल्ट को एंड वॉटर को ठीक है सोल्ट एंड वॉटर Next है, फ्लोर ऑफ द डैश टू द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी तो, at तो बैक साइड से आपकी कनेक्टेड होती है बैक फ्लोर से ठीक है एंड फ्री एट फ्रंट ठीक है बैक से आपके अटैच रहेगी और फ्रंट से क्या रहेगी ये ओपन रहेगी ठीक है नेक्स्ट है अमीवा पुश आउट डैश अराउंड द फूड एंड ट्रैप्स इट इन अ फूड किसको पुश करता है तो ये करता है सूडोपोडिया को जो कि उसका फॉल्स फीड होता है उसे पुश करता है और ट्रैप करता है उसके फूड को उसके फूड वैक्यूल के अंदर तो यहां पे आ जाएगा आपका ठीक है एंड द फूड एंड ट्रैप्स इन फूड इन टू

नेक्स्ट है द प्यर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ इज बी तो ये होते हैं आपके कैनाइन टीथ ये हो जाएंगे आपके बी ठीक है जो कि प्योरसिंग और टीयरिंग का काम करते हैं द ग्राइंडिंग एंड चुविंग टी ये हो जाएंगे आपके प्री मोलर्स ठीक है और ये हो जाएगा डी दैट इज मोलर्स ठीक है इसको प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो और अच्छे डायग्राम में हमने दिखाया है ठीक है इसमें इन सी सामने की तरफ कैनाइन होंगे आपके जो थोड़े नुकीले होते हैं फिर प्री मोलर्स एंड मोलर्स ठीक है चल तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एक आपको पूरा पैसेज दिया हुआ है जिसको आपको रीड आउट करके इन सारे आंसर्स को देना है हम पैसेज देख लेते हैं बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर लोकेटेड नियर इट्स ऑर्गन ऑफ सिक्रिएशन

आर इनसॉल्यूबल इन वॉटर एंड आर प्रेजेंट एज लार्ज ग्लोब्योल ठीक है तो ग्लोब्योल्स की तरह प्रेजेंट रहते हैं ये फूड आपके पानी में सॉल्यूबल नहीं है बाइल जूस ब्रेक डाउन द बिग फैट

वाई डाइजेशन ऑफ फैट्स डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द अदर न्यूट्रिएंट्स तो डाइजेशन ऑफ फैट्स क्यों डिफिकल्ट है क्योंकि भाई ये सोल्यूबल नहीं होता है इसी वजह से इसका डाइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बल्कि स्मॉल सब्सटेंस में टूटने का काम करता है हाउ डज द बाइलजस्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड तो ये जो बड़े बड़े से मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े से ड्रॉपलेट्स होते हैं फैट के उसको ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है ताकि जो भी एंजाइम्स पैनक्रिया से आ रहे हैं उसको बेहतर तरीके से डाइजेस्ट कर पाए वेयर इज द डाइजेशन ऑफ फैट कंप्लीटेड तो डाइजेशन ऑफ फैट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है बाइल जूस डाइजेस्ट द फ्लैट फैट कंप्लीटली जी नहीं पूरी तरीके से फाइल जूस जो है वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता बस इसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है तो आप देख सकते हो बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय द लीवर डाइजेशन ऑफ द फैट इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर न्यूट्रिशन बिकॉज द इनसॉलिबिलिटी ऑफ फैट इन वॉटर क्यों नहीं हो पाता क्योंकि वो इनसॉलिबल है Bile juice help in digestion of fat by breaking down the big fat droplets into the smaller droplet. This is called the amulification of fats.

ठीक है चलिए तो वेल अब आप आपको यहाँ पर कुछ एक डायग्राम दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी आपको इन सारे पार्ट्स को लेवल करना है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आर बॉडी तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ लीवर द ऑर्गन वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट तो वो हो जाएगा स्टमक ओके देन द ऑर्गन दैट रिलीजेज द डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन तो कौन सा ऑर्गन होता है तो ये होता है आपके डाइजेस्टिव जूसेस के लिए पैनक्रियास एंड लीवर ठीक है यहां पर अपन लिख देते हैं फिर है द ऑर्गन वेयर bile juice गेट स्टोर्ड तो होता है gall bladder. ठीक है इन सबको अपन इनको मार्क करना है तो ये हो जाएगा आपका गॉल ब्लेडर ठीक है यहाँ से ये यह लीवर है और अच्छे से इसका डायग्राम आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला है लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी देन है स्टमक ऑर्गन प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट ठीक है वो रहा देन इसके बाद पैनक्रियासन दैट रिलीज द डायजेस्टिव जूसेज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द गॉल ब्लेडर ऑर्गन वेयर द बाइल जूस गेट स्टोर्ड ठीक है तो ये रहा पूरा डायग्राम जिसमें अगर आप चाहें तो और सारी चीजें इंडिकेट कर सकते हैं क्लियर चलिए तो अब आगे चढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारे लाखरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इसमें आपको क्रॉस वर्ड सॉल्व करना है तो भाई यहाँ से तो मुझे समझ में आ रही है कि कौन कौन सी चीजें हैं बट पूछ देख लेते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा गया है तो क्रीम कलर डाइजेस्टिव ग्लैंड तो ऐसी कौन सी क्रीम कलर डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है तो वो होती है पैनक्रियास तो आप देखिए यहाँ पर अपन ने सबसे पहले फिल कर दिया है पैनक्रियास ठीक है देन उसके बाद आपसे पूछा है सॉरी है आ, विद हेल्प ऑफ द सुडोपोडिया तो किस कौन है जो सूडोपोडिया की मदद से फीड होता है तो वो है आपका अमीवा ठीक है तो ओ ठीक है सो अमीवा के बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड डाइजेस्टिव एक्सक्रेटरी सॉलिड रेसिड्यूस ठीक है तो वो कौन से होते हैं तो वो होते हैं आपके फीसिस तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड आपसे पूछा गया है ठीक है नेक्स्ट है ऑर्गन दैट मिक्स सलाइवा विद द फूड कौन सा ऑर्गन है जो सलाइवा को फूड के साथ मिला देता है तो वो हो जाएगा आपका टंग ठीक है नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ डिफेक्शन तो किस पॉइंट से डिफेक्शन होता है तो एनस नेक्स्ट ठीक है इस तरह से जब अपन सारा सॉल्व कर लेंगे तो हमें पूरा आंसर मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोलर्स इन वन जॉब ऑफ एन एडल्ट ठीक है तो कितने नंबर ऑफ एडल्ट्स में मोलर्स होते हैं ठीक है थीके? तो हो जाएगा आपका 6 ठीक है इस तरह से हम सारी चीजें जब सॉल्व कर लेंगे तो अब अपन ऑप्शन देख लेते हैं और सोल्व डायरेक्टली वहां देखेंगे फिंगर लाइक आउट ग्रोज इन स्मॉल इंटस्टाइन इज विली काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड अब ये टेस्ट बर्ड कौन सी पूछी गई है थर्टीन में अपन देख लेते हैं थर्टीन में जो टेस्ट बर्ड पूछी गई है आपसे वो कौन सी है तो थर्टीन ये रहा तो एस से शुरू हो रहा है तो दैट मीन्स की हो जाएगा सॉर ठीक है नेक्स्ट है फिंगर लाइट आउट ग्रोज इन स्मॉल इंटस्टाइन दैट इज विलीज टेंथ

बाइल जूसेस स्टोर्ड होते हैं ठीक है और इलेवेंथ वाला देख लेते हैं क्या पूछा गया आपसे रमिनेंट कौन सा होता है इलेवेंथ ऑप्शन यहाँ पर कहा लिखा हुआ है तो ये लिखा है काउ काउ एक रिमिनेंट होता है ठीक है चलिए तो इसी तरीके से जब आप पूरा फिल कर देंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा जो बचे हुए आपके हैं बॉटरी सिक्रिएशन ऑफ द माउथ ठीक है हो जाएगा आपका सलाइवा और ये आपका पूरा हो जाएगा क्योंकि एक एक सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा तो आप देख सकते हैं कि ये सलाइवा मतलब जो आपका पूरा सॉल्यूशन है क्रॉस वर्ल्ड का कुछ ऐसा है और इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा एग्जाम्पलर सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर टू तो अगर आपने ये इस का पूरा कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू नहीं देखा हुआ है डिस्क्रिप्शन नहीं देखा हुआ है तो ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है आप देख सकते हैं बाय यूज ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैगनेट बेन्स डॉट कॉम जैसे ही आप इस पर जाएंगे अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे जैसे आप क्लास सेवन से हैं तो आपको कुछ इस तरह से फोल्डर्स दिखना चालू हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर वॉच नाउ करें वॉच नाउ करते साथ ही आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन दिखेगा उस चैप्टर के टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ है तो जो भी टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक करें तो वीडियो ओपन हो जाएगा वीडियो को पूरा जरूर देखें तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा जब आप वीडियो देख लें आपको टॉपिक समझ में आ जाए तो आप इसे लाइक करिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को शेयर करिए उनके साथ जो कि आपसे थोड़ी छोटी या बड़ी क्लासेज में है दैट मीन्स क्योंकि हमारे पास हंड्रेड फ्री क्लासेज हैं फ्रॉम किंडर टू क्लास ट्वेल्थ आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी थैंक यू सो मच